15 लाख का वादा किया था, एक पैसा किसी के खाते में नहीं आया। एक जनता को गुमराह करके 2017 में इन्होंने सम्मान सरकार बनाई थी, नारे लगाते थे बहुत बड़े बड़े, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, अब की बात सरकार भाजपा पार्टी सरकार, इतना भ्रष्टाचार है ये सब आप लोग देख रहे हैं, जनता जान रही है। एक एक मोटरसाइकिल 5-5 हज़ार रुपये में चौराहे पर छूटती है, थाने में वसूली की जाती है, खनन माफिया भाग रहे हैं, बिजली के बिल भिन्नता बढ़ा दिए गए। सर जिस तरह से ये जो है इन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की रक्षा करो, उसके अब अभी यहाँ पे कुछ नए सामने आ रही हैं, उसके बाद रोज नया सरकार बढ़ता चला जा रहा है, रोज बलात्कार है, लूट है, हत्याएं हैं, रैली है। आज आपने पढ़ा होगा, मंगलराम सपा है चैनल पर भी आया था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है उसने गोली पाल समाज के व्यक्ति के लड़के के लिए गोली मारी, और गोली मारने के बाद विधायक कह रहे हैं कि इनकी गलती हुई थी, क्रॉस केस उठाया जाना चाहिए, नहीं मैं कहा तो धरना दूंगा। कानून है सर, ये जो बलिया वाला कांड है वही तो है, और इसके अनुकूल एक और भी कांड, दो कांड ऐसे हो चुके हैं, जैसे हाथरस वाला है, हाथरस मनीषा कांड है, उसमें से कई ऐसे कांड हैं जिसके बारे में बताइए। हमारे हिंदू धर्म या हमारे धर्म में धार संस्कार का अधिकार माता पिता को, अगर पिता बुजुर्ग होने के बाद कम हो जाते हैं तो बच्चे उनका धार संस्कार करते हैं, परिवार धार संस्कार करता है, लेकिन उस पीड़ित परिवार के लिए अपनी बेटी के धार संस्कार का यह अधिकार खत्म कर दिया, रात के 12 बजे पेट्रोल डाल के जला दिया गया, ये कोई न्याय है? सर विशेष गतिविधियाँ जो है यहाँ की, इनकी जो गतिविधियाँ वो गतिविधियाँ किस तरह की अनुकूलित हैं या नहीं है, इसके बारे में कुछ विशेष बताएं सर। इनकी भारतीय जनता पार्टी की तो मोनोपोली चली गया, पूरा राज आपकी का राज चल रहा है, नारा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ढूंढने सरे आप घूम रहे हैं। अब मेरठ में एक लाइक पकड़ा गया है, भारतीय जनता पार्टी का फोटो लगा हुआ है स्टिकर ऐसी गाड़ी पर, और जूतों कराड़ो खेली लड़की जाती है उसको ले जाए बलात्कार के साथ कर दिया, कल की घटना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मान लीजिए भैया अपना क्या काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, बताइए, कहीं कोई नई सड़क बनी हो, कहीं बिजली आई हो, कहीं कोई ट्यूबवेल लगे हो, कहीं नए स्कूल खुले हो, कहीं कोई मेडिकल कॉलेज खुला हो, कहीं कोई बड़ा पुल बना हो, कौन सा काम बताइए। सर आपकी सरकार जो 2022 में क्या तैयारी कर रही है? हमारी सरकार ये तैयारी तो आप देख ही रहे हो, और ये क्या हो रहा है, सर तैयारी नहीं है, जनता के बीच जा रहे हैं, आप आपकी लड़ रहे हैं, आपकी सरकार आ गई क्या, सरकार 2022 में आएगी? इसके सर मूल उद्देश्य क्या रहेंगे सर, उसको कुछ विशेष टिप्पणी करेंगे? मूल उद्देश्य तो जब सरकार जब 2022 आएगा तब बताए जाएंगे, अभी तो तैयारियां चल रही हैं, जनता के बीच में जाए।